मुझे आप ये बताएं, दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, हाउ आर यू गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अरविंद सहारन ने दे दिया पाकिस्तानी मीडिया को 440 वोल्ट का झटका। जी हाँ, फिजा अकबर खान के शो में अरविंद सहारन ने ऐसा जवाब दिया कि फिजा का मुंह खुला का खुला रह गया। पाकिस्तानी मीडिया में जब भारतीयों के बोलने की बारी आती है, या तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है या फिर इंटरफेयर करने में फिजा अकबर आगे रहती है। अरविंद सहारन ने आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया की बोलती बंद कर दी है और उन्हें आईना दिखा दिया है। अरविंद ने बताया कि जितने भी वर्ल्ड में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उनमें सारों में पाकिस्तानियों का नाम कैसे आता है, क्यों हर बॉम्ब ब्लास्ट में पाकिस्तानी शामिल रहते हैं? ये सवाल का जवाब आप में से कोई दे सकता है? सच सुनकर फिजा अकबर बौखला गई। आज की वीडियो में फिजा अकबर खान और उसके पैनल ने और क्या कहा? So guys, let's start this very interesting video. Thank you. तो जब तक मोदी साहब हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे किस्म की बेहतरी आ सकती है। पूरी भारतीय रियासत में नहीं कहूंगा कि वो सारी रियासत ही जो है जंगी जुनून में मुब्तला है, लेकिन ये जो इस वक्त वहां पे एक एक्सट्रीमिस्ट रजीम है, इंतहा पसंद रजीम है, जब तक ये लोग वहां पे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की बेहतरी हो सकती है। ठीक है जी, आपको लगता है कि किसी किस्म की बेहतरी नहीं हो सकती। अरविंद, मैं आपके तरफ आना चाहूंगी। मकबूजा कश्मीर पे आपका बकायदा कब्जा है। आप लोग पता नहीं क्यों कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है, और कश्मीर को आप कहते हैं कि जी कश्मीर को आप पता नहीं ना जाने क्या कहते हैं, अटूट अंग है हमारा। क्या चाहती है आपकी गवर्नमेंट, क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा है उनका? मैं आपके सवाल का जवाब दूं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों ने हिंदुस्तान देखा है, मगर मैंने पाकिस्तान देखा है जी। और जब मैं पाकिस्तान के लिए, मैंने बताया अपने पेरेंट्स को कि लाहौर जा रहा हूं, तो वालिद साहब तो कह रहे थे ठीक है भाई चले जाओ, जैसे ज़्यादातर बाप होते हैं उनको इतनी परवाह नहीं होती। माँ थोड़ी सी घबराई, फिर वो 10 मिनट बाद मेरे कमरे में आई और उन्होंने आके अच्छा। मुझसे कहा कि बेटा माँ तो वहाँ भी माँ ही होती होगी। मैंने कहा जी ऐसा ही है मम्मी। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम जाओ, फिर कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान से लौटने के बाद वहां पर जो मैंने वक्त गुजारा उसके बारे में मैंने अपने लोगों को बताया। सबने मुझसे पूछा कि भाई बताओ कैसा है पाकिस्तान, तो मैंने ये कहा कि वहां पर भी जो माँ है वो भी वही ख्वाब देखती है अपने बच्चों के लिए जो हमारी माएँ हमारे लिए देखती है। मेरी माँ जो मेरे लिए ख्वाब देखती है, पाकिस्तान की हर माँ अपने बच्चे के लिए वही ख्वाब देखती है। वो ये नहीं चाहती कि उसका बच्चा कब तालीम खत्म करके और जिहाद पर चला जाए। तो ये हमारे दरमियान जो मिसकंसेप्शंस हैं, अब आ जाते हैं आगे इसके ऊपर। आपके जो आरएसएस के जो हैं कि आरएसएस की रेसिस्ट आइडियोलॉजी, आरएसएस ने ये कर दिया, आरएसएस ने वो कर दिया, मुझे आप ये बताएं दुनिया भर के अंदर आरएसएस ने कितने टेररिस्ट अटैक किए हैं? देखें जी, जितने टेररिस्ट अटैक होते हैं, सॉरी टू से उसमें से ज्यादातर जो अटैक होते हैं वो मुसलमानों की तरफ से होते हैं। दुनिया के अंदर 150 से ज्यादा तंजीमें हैं, ये अलकायदा, अल शबाब, बोको हराम, अफ्रीका तक चले जाएं आप, तालिबान, जैश ए मोहम्मद, सिपाहे सहाबा, लश्कर ए जंगवी, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी वाबस्तगी जो है, इनकी एफिलिएशन किसी खिते, थोड़ा सब्र रखें। अरविंद साहब
मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान मतलब रख में सकता कभी भी इतना झूठ कोई नहीं सोच सकता। फर्क सिर्फ ये है कि देखिए सिर्फ अरविंद मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अरविंद एक मिनट सुन लेना, अरविंद आप पिछले 7 मिनट से अकेले बोल रहे हैं, मुझे 35 मिनट के प्रोग्राम में तीनों मेहमानों की राय शामिल करनी है, मैं आपको एक टाइम पे 7-8 मिनट नहीं दे सकती ना, मुझे बारी बारी सबके तरफ जाना है, प्लीज जरा आप मौका दीजिए, आतर को मौका दीजिए प्लीज, 7-8 मिनट से आप अकेले बोल रहे हैं, इस तरह नहीं चल सकता ना प्रोग्राम में, प्लीज आप बात को समझिए, अतर आपकी तरफ आ रही है, अपनी बारी में बोलिएगा जी अतर। अरविंद आप 8 मिनट से लगातार बोल रहे हैं, आप ये देखिएगा यूट्यूब के प्रोग्राम में कि आप कितने मिनट से लगातार बोल रहे हैं, आपको किसी ने नहीं टोका, आप प्लीज दूसरों को मौका दीजिए प्लीज, ऐसा नहीं हो सकता 35 मिनट के प्रोग्राम में 10 मिनट लगातार एक गेस्ट बोले, ऐसा हो नहीं सकता जी। 10 सेकंड का मतलब नहीं ना, आपने 8 मिनट में भी बात का मुकम्मल नहीं किया, अभी भी आप गिला कर रहे हैं जी जी, अतर आप जवाब दीजिएगा। मैं सिर्फ 10 सेकंड देखिए, इन्होंने मैं अपनी बात खत्म करने में तो मेरी बात खत्म हो जाती है, अतर प्लीज कंटिन्यू, मेरी बात ही खत्म हो जाती है जी जी। आरएसएस मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आरएसएस जितनी भी तंजीम का नाम लिया इन्होंने जितनी, अरविंद साहब आपके साथ मैं सोलो प्रोग्राम को कर लेती हूं, आपकी पूरी बातें सुनती रहूंगी, है इस सरजमीने हिंदुस्तान पर वो धरती के बेटे हैं, वो धरती के बेटे हैं। अरविंद साहब अपने सारे पॉइंट अभी डिस्कस करने हैं, अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना, अब आपने बहुत सी बातें कर ली, उनके जवाब भी तो ले लें अतर साहब से, जंग चाहे 48 की हो 65 की हो सारी जंगें पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाहौर के पास ही एक गांव में गया था, छोटा सा गांव है, लोगों ने मुझसे पूछा कि अरविंद हम मोहब्बत चाहते हैं, अमन चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो आप बस ये कश्मीर का ही जो मसला है इसको हल कर दें, तो उसके बाद में तो हम एक ही लोग हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर वही होगा जो आज तक होता आया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है आज तक, वो कहते हैं वही हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे हैरानी हुई आपकी ये बात सुनकर वहां की सिविल सोसाइटी की, मैंने उन्हें 3-4 आर्टिकल बीबीसी के दिए, मैंने कहा आप जरा इसे पढ़ें कि दुनिया क्या कहती है इन जंगों के बारे में, तो उन्होंने कहा बेटा ये तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी तो नहीं पढ़ सकते हैं। मैंने कहा कि अपने बच्चों को बुलाएं उनसे, वो आपको बता देंगे, कहते नहीं बेटा यहाँ तो अंग्रेजी नहीं, कोई नहीं पढ़ता है। मैंने कहा फिर मेरी गलती हो गई है, वाकई में चारों जंगें आप ही जीते हैं। देखें जी कश्मीरियों का सबसे बड़ा जो शिकवा होना चाहिए वो आप लोगों से होना चाहिए, वो तो आजादी थे, ना आप कबायली हमला करते, ना आज ये नौबत यहाँ आती। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें 3 शर्तें हैं, उन पर आता हूँ। अच्छा मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहूंगी, सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूं अरविंद, के बहुत से पैनलिस्ट आपके अक्सर ये अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी का कंपैरिजन करते हैं, आप इंटरप्ट तो ना जी जी, आपकी वहां से अच्छी बात की जाती है इसलिए मैंने ये बोला जी, अगर आप अग्री करेंगे, आप अग्री करेंगे इस बात पर, ना करें मुझे ये ना करें, अब आप मुझे 12 मिनट नहीं, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इस्लाह करने की कोशिश की कि अंग्रेजी सिर्फ एक लैंग्वेज है, आप अंग्रेजी को किसी की तालीमी काबिलियत या ये ना समझे कि किसी की काबिलियत या किसी की जानत है, तो पैरामीटर नहीं है सच जी। मुझे मैं इसका जवाब देता हूँ, पाकिस्तानी मुआशरे में जो सच है वो अंग्रेजी में लिखना कुछ हद तक पॉसिबल है, उर्दू में सच लिखना जो है बेहद मुश्किल है, ठीक है, और ये शायद आपके मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है कि अगर जब तक 95% आवाम उर्दू स्पीकिंग है उन्हें अंग्रेजी नहीं आती तो हम अपना बयानियां चला सकते हैं, ये जो मर्जी इनको बता दें। खैर लेट मी कम टू द रेजोल्यूशन नाउ, अच्छा तो जिनको अंग्रेजी आती है मैं आपसे पूछूंगा, फिर जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ रहे हैं इससे पूछे कि इन्होंने बीबीसी में आजकल जो मोदी के बारे में परसेंटेज अंग्रेजी को समझने वाली आप लोग तो अक्षर काजमी साहब आप कह रहे थे ना कि मैं आपको सुनूंगा, अब आप सुनने की बारी साहब आपकी है, आप अपना वक्त बोलिएगा, आपको जरूर सुनेंगे, लेकिन आप ऐसी बातें कर रहे हैं अरविंद जिनके कुछ सर पैर धड़ है ही नहीं। चले जी आगे चले, आप अंग्रेजी पे आ गए ना, आप चले आगे चले, आप कब से बोल ही तो रहे हैं जी, आगे चले काजमी साहब जी, अरविंद आप आगे चलिएगा जी प्लीज, अपना अगला पॉइंट जरा डिस्कस करें अरविंद, पहले मानिए मैं उनको भी शामिल गुप्त को ना अगले पॉइंट पे चले, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के आप से पॉइंट पे मुकम्मल करें जी, आगे सुन रहे हैं आप, बोलें 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 आप, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पे बात करें, मुझे मुकम्मल तो करने दें, यूं तो ना करें आप, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की 3 शर्तें हैं, पहले कि पाकिस्तान विड्रॉ करेगा अपनी फोर्सेस, नॉन कश्मीरीज को सबको बाहर निकालेगा, उसके बाद हिंदुस्तान भी अपनी फोर्सेस को विड्रॉ करेगा, हत्ता कि थोड़ी बहुत फोर्स मेंटेन रखेगा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद इंटरनेशनल वॉच एजेंसीज की तहत में वहां पर रेफरेंडम होना था, तो ना पाकिस्तान ने फोर्सेज विड्रॉ की और ना ही उसके बाद में
जो है वहां पे रेफरेंडम की नौबत आई, ना नौमन तेल था ना राधा नाची।